जी आपने अभी तक हमारा बिल क्लियर नहीं किया। केड़ा बिल जी? अजी पेंट वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बकाया कितना था जी? 400 रुपया जी बकाया। तो 400 रुपया ये देना जी। ये 400 रसीद आपको भिजवा देंगे जी। और नहीं, रसीद की कोई बात नहीं। शुक्रिया जी, थैंक यू। जी रिसेप्शन जी, अभी तक आपके कमरे की सफाई नहीं हुई, नाश्ता भी नहीं पहुंचा अभी तक, ये कैसे हो सकता है सर? हाँ, मैं माफ चाहता हूँ सर, अभी भी जाता हूँ। थैंक यू सर। रैम्बो, रैम्बो, ओए तुमने 16 नंबर कमरे की सफाई क्यों नहीं की? 16 नंबर क्या जी, मैंने किसी कमरे की सफाई नहीं की और ना मैंने करनी है। क्यों भाई, तुम्हें हवाई कंपनी में नौकरी मिल गई है? ओए चलो उठा काम करो, चलो शाबाश। काम नहीं होगा। काम क्यों नहीं होगा? उठो मुतालबे। अभी मैं पूरे करता हूं तुम्हारे मुतालबे। ओए मुराद, ओए तूने नाश्ता क्यों नहीं पहुंचाया? ओए सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? 16 नंबर कमरे में नाश्ता क्यों नहीं पहुंचाया अभी तक? नाश्ता? ना, आप नाश्ते की बात करते आप खाने की भी छुट्टी समझे। क्यों, क्या हो गया तुम दोनों को? होश में तो, होश में तो आप आए बानवी साहब। पहले तो हम मजलूमी की जिंदगी बसर कर रहे थे। क्या मतलब है भाई? मतलब बानवी साहब, कितना अर्सा हो गया हमें यहाँ काम करते हुए, कोई तरक्की नहीं हुई। मैं रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, अटेंडेंट का अटेंडेंट। और तो और जी, ओहदों की तकसीम और नाम तक दुरुस्त नहीं है। ओ यार खुलकर बात करो, मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही। आपकी समझ में कैसे आएगी बावनवी साहब, आप तो खुद नादानी के समुंदर में डूबे हुए हैं। आपकी अकल पर पर्दा और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है बावनवी साहब। सीधी बात तो यह है कि मुझे वेटर क्यों कहा जाता है, मुझे फूड मैनेजर भी तो कहा जा सकता है, और मुझे सेंट्री इंस्पेक्टर भी। देखे बावनवी साहब, आप यहां मैनेजर बने बैठे, आपका इतना तजर्बा है, अगर आप 5 स्टार होटल में होते ना तो आज तक आधी दुनिया आप देख चुके होते। हाँ यार, बड़े होटलों में वैसे रिफ्रेशर कोर्स के लिए बाहर भेजते हैं। यही तो हम कहते हैं बावनवी साहब, कि हमें भी बाहर के मुल्कों में रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा जाए। रिफ्रेशर कोर्स होता है यार? हाँ वही कोर्स, वो हमें भी पता चले कि दुनिया में कौन कौन से नए तरीके आए हैं सफाई के, और बगैर बांस के गटर जो साफ होता है वो किस कंप्यूटर से होता है। देखें जी, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट हो, कोई कागज हो, ताकि हम भी किसी बेहतर जगह पे मुंह मार सके। तजर्बा बड़ी चीज होती है बावनवीर साहब, पर हाथ में भी तो कुछ हो ना। देखें जी बावनवीर साहब, अगर मुझे फूड मैनेजर बना देना तो आपको शमीम साहब मजबूर हो जाएंगे जनरल मैनेजर बनाने पर। उदों की बात छोड़ो यार, हम कोई प्राइवेट स्कूल तो नहीं चला रहे। असल बात है इंतजामी मामलात की समझ, इंतजामी ढांचे और जाब्तों में तब्दीली, जिसके लिए बहरहाल रिफ्रेशर कोर्स लाजमी है। इस मामले में मैं तुम लोगों के साथ हाथ मिलाए जी। कोई जरूरत नहीं है हमें इस तरह के एहसान फरामोश लोगों की। मैं तो कहती हूं खड़े खड़े छुट्टी करा दो सबकी। सबकी छुट्टी? अरे सबकी छुट्टी से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, समझती क्या हो? इतने तजुर्बेकार मुलाजिम इतनी कम तनख्वाह पे चिराग लेकर ढूंढोगे ही नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। और तुम वो किस ख्याल में? मैं जिस भी ख्याल में हूं ना, लेकिन तुम्हारी हम ख्याल नहीं इस मामले। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? बस नहीं हूँ, क्यों का क्या मतलब है? जरा सुना वो क्या कह रहे हैं, हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, हमारे ओहदे तब्दील कर दो, हमें रिफ्रेशमेंट कोर्स कराओ। अरे रिफ्रेशमेंट कोर्स नहीं कह रहे, ये रिफ्रेशर्स कोर्स की बात कर रहे हैं। वो एक ही बात होती है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, इतने सारे मुतालबों में से एक आध मुतालबा तो मानना पड़ेगा। और मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है कि ये रिफ्रेशर्स कोर्स जो होता है ये अच्छी चीज है, सिर्फ उन्हें ही फायदा नहीं होगा हमें भी फायदा होगा। इससे जरा ये जो होते हैं ना इंतजामी उमूर, इनकी समझ बूझ बढ़ती है। ये जो होते ना इंतजामी अमूर, इनकी समझ बढ़ती है और बूझ भी बढ़ती है ना? लगाए ना, ना तुम्हें भी अपनी लाइन पे। इसमें लाइन पे लगाने की क्या बात है, वो नौकरी छोड़ने पर तुले हुए, तुम्हें ऑमलेट बनाना तक तो आता नहीं है, और इतना बड़ा गेस्ट हाउस कैसे चलाओगी तुम? ये तो थी वही, मैंने चीमे से बात कर ली है और सारे मुतालबे उनके आगे पेश कर दिए। अच्छा, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, वरना। वरना क्या? कुछ का कुछ हो सकता है बावनवी साहब। रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो, अब ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। किस बात का इंतजार? वो ईद का साहब जी, वो मेरा दिल कर रहा है ना इस दफा ईद जल्दी आए। ईद जल्दी आए, डर क्यों रहा? मुतालबा पेश कर।
हमने सारी बातें सारे मुतालबे सुन लिए और तुम्हारे सारे मुतालबात पर हम दर्दाना गौर करने के लिए गौर व फिक्र भी शुरू कर दी। अच्छा जी, इस गेस्ट हाउस में वीआईपी रूम्स वगैरह भी हैं? जी हाँ जी, दो हैं जी। एक मिल सकता है? हाँ जी बिल्कुल, दोनों खाली हैं सर। आपका नाम सर? करामतुल्ला। करामतुल्ला साहब, सर अगर आप बुरा ना माने तो शनाख्ती कार्ड। वाई नॉट। आप कोई बिजनेस करते हैं सर? ये बताना जरूरी है क्या? जी सर, अगर आप बुरा ना माने तो। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मेरा ताल्लुक एक ऐसे महकमे से है जो मुख्तलिफ अदारों के अफसरान को तरबियत देता है। अच्छा। उन्हें रिफ्रेशर कोर्सेज करवाता है। जी रियली? इनकी तारीफ? जी ये शमीम साहब हैं जी, इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं। सर ये आपका शनाख्ती कार्ड जी, ये आपकी कमरे की चाबी। मुराद जी सर, ये साहब को वीआईपी रूम नंबर 1 में पहुंचाइए। जी आए सर। इधर सर। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे। देखिए माना कि आप इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं, लेकिन किसी को इस तरह से आवाज देकर रोकना ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ है। आपको अगर मुझसे कोई काम है तो मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। जी बेहतर। जी जी बस हंसती रहो। मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या है भाई आज? यस सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? तशरीफ लाइए। थैंक यू सर, शुक्रिया जी। तो शमीम साहब अब फरमाइए। सर वैसे तो कोई खास बात नहीं थी, वो बात दरअसल ये थी कि वो आपने फरमाया था ना कि आप एक इदारे में अफसर हैं जो ये रिफ्रेशर कोर्स करवाता है सर। तो फिर सर वो हम ये चाह रहे थे कि हमारे गेस्ट हाउस के मुलाजमीन जो है ना सर, उन्हें रिफ्रेशर कोर्स करा दिया जाए। हकीकत में तो मैं और मेरी मिसेज भी चाह रहे थे कि इसमें शामिल हो जाएं। वंडरफुल भाई शमीम साहब, हमारे अदारे का तो मकसद ही यही है, लेकिन आपको पता है ऐसे कोर्सेज या तो हम अपने दफ्तर में करवाते हैं जी, या फिर किसी 5-स्टार होटल में। और चूंकि आपका गेस्ट हाउस एक प्राइवेट जगह है, इसलिए हम दफ्तर में तो करवाने से रहे जी। आप ऐसा करें किसी 5-स्टार होटल का बंदोबस्त कर लें, मैं आकर 2-3 लेक्चर दे दूंगा जी। बेहतर सर। सिंपल एफ है जी। हाँ, जहां तक मेरे TADA का ताल्लुक है, आप चाहे तो भाई चेक दे दें या नकद, मुझे कोई एतराज नहीं जी। जी पहले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको इंतजामी अमूर के मुतालिक चंद अहम बातें और कवायद और जवाबित बताए थे। आज हमारे कोर्स का आखिरी दिन है जी। तो आज हम ये देखेंगे कि इन कवायद और जवाबित को हम गेस्ट हाउस में किस तरह से इस्तेमाल या लागू कर सकते हैं जी। तो पहला है ID कार्ड। शनाख्ती कार्ड ये बहुत अहम दस्तावेज है। गेस्ट हाउस में जितने भी मेहमान आते हैं उनका सिर्फ नाम पता दर्ज कर लेना काफी नहीं है, बल्कि आपको चाहिए कि उसके शनाख्ती कार्ड की एक फोटोस्टैट कॉपी भी रिकॉर्ड में होनी चाहिए। बेहतर। दूसरा है मेन परचेजेस। गेस्ट हाउस में जो भी चीज खरीदी जाए वो कोटेशंस तलब किए बगैर ना ली जाए, और वो जो कोटेशंस हैं उनको भी परचेज कमेटी के सामने खोला जाए। कितनी कोटेशन सर? 3 कोटेशंस होती हैं रूल के मुताबिक। अच्छा। अब रह गई छोटी मोटी चीजों के लिए, यानी पैटी परचेजेस। बेकरी वाली पैटीज जी? नहीं मुराद साहब, ये बेकरी वाले नहीं है, ये जो छोटी छोटी रकम की जो चीजें खरीदनी होती हैं। अच्छा। तो पैटी परचेजेस के लिए भी वोचर्स और रसीद का होना इंतहाई जरूरी है। और हाँ, इन वोचर्स पे भी मैनेजर और डायरेक्टर्स के दस्तखत होने चाहिए। सर ये डायरेक्टर्स कौन है? मैं हूं ना डायरेक्टर, और कौन हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता, मैं भी तो हूं ना डायरेक्टर। देखिए मेरी बात सुनिए,
इस सिलसिले में आप लोगों के ओहदों का वाजे तयन करना पड़ेगा और जो कि गेस्ट हाउस के दूसरे मेंबरान के मशवरे से होगा। चेचो, बी सीरियस होए? एक कमरा मिल जाएगा? जी डबल या सिंगल? जी डबल। शनाख्ती कार्ड है जी आपके पास? जी ये लीजिए। इसकी फोटो कॉपी भी है जी आपके पास? फोटो कॉपी वो तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, हम खुद बनवा लेते हैं, आप तशरीफ रखिए। ठीक है, आइए। एक कमरा चाहिए। किसे? मुझे और किसे? मिल जाएगा जी। तो दे दो। आपका शनाख्ती कार्ड सर? नो, एक शनाख्ती कार्ड? मेरे पास तो कई शनाख्ती कार्ड जी। मेरा मतलब है कि मेरी घरवाली का, मेरी अम्मा का, मेरे अब्बा का, सबके शनाख्ती कार्ड है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड चाहिए। वो भी है मेरे पास। ये लीजिए, ये लीजिए। इसकी फोटो कॉपी है? जी नहीं, वो तो मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, आप तशरीफ, हम खुद बनवा लेते हैं। ठीक है। फूड मैनेजर, फूड मैनेजर। जी सर। ये आप दोनों शनाख्ती कार्ड ले जाएं और इनकी फोटो कॉपी बनवा लाइए जल्दी से। यस सर। देखिए भाई, फोटो कॉपी आती रहेगी। आप ऐसे करें, आप हमें कमरा दे दें, हम थोड़ा सा आराम कर लेंगे। सॉरी सर, आप यही आराम कर लें, अभी हमारे फूड मैनेजर फोटो कॉपी करवाने गए हैं, बस वापिस आते ही होंगे। ओ भाई, जनरल मैनेजर। अच्छा, वही कह रहा हूँ। वही वही नहीं, जनरल मैनेजर अगर आपकी मुंह पर नहीं चढ़ रहा तो आप जीएम भी कह सकते हैं। अच्छा, जी एम साहब, वो आपका फूड मैनेजर मेरे नाश्ते की फोटो कॉपी करने तो चला गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। इन कार्डों की दो फोटो स्टेटा छाप दो जी, जल्दी करके जी। बिजली नहीं है भाई साहब, इंतजार करो। कितनी देर जी? ये तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, जाने का पता है, आने का नहीं, क्या मालूम कब आती। अच्छा जी, चलो जी, इंतजार कर लेते हैं जी। ये जरा पंखा दे दें जी। ना, पंखा तो मैं नहीं दूंगा, फोटो स्टेट बनवाओ चाहे ना बनवाओ। भाई, शिनाख्ती कार्ड कहीं भागा तो नहीं जा रहा, आ जाएगा। आप ऐसा करें, आप हमें कमरा दे दें, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सॉरी सर, शिनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी रिकॉर्ड में रखे बगैर हम आपको कमरा नहीं दे सकते। ये कायदे कानून की बात है जिसमें हम जरा सी भी कोताही नहीं बरतते। और ये शिनाख्ती कार्ड की कॉपी कब आएगी? अभी बस हमारे फूड मैनेजर साहब गए हुए, आते होंगे। और मेरा नाश्ता भाई। पसीना आया ना तो हाथ वाले पंखे का जो मजा आता है, हवा का, एयर कंडीशन क्वार्टर में भी वो मजा नहीं है। क्या ख्याल है जी? लगता है अंगूर काफी खट्टे हैं। अगर आप कमरा नहीं दे सकते तो आप मेरा शिनाख्ती कार्ड वापस कर दें। आपको क्या हो गया जनाब? अगर मैं आपका शिनाख्ती कार्ड वापस करने के काबिल होता तो मैं आपको कमरा ही ना दे देता। आप थोड़ा सा सबर और इंतजार करें, अभी हमारे फूड मैनेजर साहब आते ही होंगे। और कितना इंतजार करूं? डेढ़ घंटा हो गया भाई। भाई नहीं, जनरल मैनेजर। हमें मजीद इंतजार बिल्कुल नहीं करना, अब चलें यहाँ से। चलें कैसे? शिनाख्ती कार्ड जो इनके पास है। इनसे कहें कि बजरिया डाक भिजवा दे, बड़ी मेहरबानी होगी इनकी। नहीं, मेहरबानी की कोई बात नहीं, आप बस इतना बता दीजिए कि आम डाक से भेजें या रजिस्टर्ड। शिनाख्ती कार्ड है, रजिस्टर्ड ही भेजना पड़ेगा आपको। तो फिर इस तरह कीजिए कि आप रजिस्ट्री का खर्चा दे दीजिए। ओह माय गॉड, मेरा ख्याल है कि मैं कुछ ना कहूं। जी हाँ, बेहतर तो यही है जी। और मेरा ख्याल है कि मैं बाहर आकर रेडी वर्ष के नाश्ता कर लूं।
जी हाँ, डायरेक्टर एडमिन आपका फोन। हेलो जी सर। जी बिल्कुल ठीक है सर। सर मैं अभी जनरल मैनेजर को कहकर कमरे बुक करा देता हूँ। जी सर आप फिक्र ना करें। बिल्कुल ठीक है सर। ओके हाफिज। जी डायरेक्टर रोज। डायरेक्टर सर जी। डायरेक्टर रोज मैं जाऊं सर। जाऊं सर। मैं भाई मैं आपको कितनी दफा कहूं कि मेरे कमरे का बल्ब फ्यूज हुआ हुआ है। आपने किसे कहा है मुझे नहीं पता। लाहौल वाला कुआं था। देखिए लाहौल पढ़ने के बजाय आप ये बताइए कि आपने शिकायत किसे की थी। और भाई तीन दफा तो मैं आपको फोन पे बता चुका हूं। नो 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 फोन रिटर्न। हम सिर्फ तहरीरी दरखास्तों पर अमल दरामद करते हैं। जनाब मैंने फ्लैश की खराबी की इतला आपको रिटर्न दी थी। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं वो मैंने आपकी दरखास्त जो थी पुट अप की हुई है। जो ही उस पर कोई ऑर्डर आएंगे हम अमल दरामद कर देंगे। भाई साहब मेरे कमरे की छत बारिश के पानी की वजह से टपक रही है। तो कोई बात नहीं सामान तो हमारा खराब हो रहा है जी। लेकिन बारिश का पानी सीधा मेरे बेड पे गिर रहा है। देखिए सर नया लेंटर बिछाने के लिए टेंडर दिया हुआ है। जो ही टेंडर मंजूर होगा आपकी छत ठीक हो जाएगी। भाई मेरा फ्लश का होता है ना नाचता है यार। मेरा फ्लश का मसला है। क्या मसला भाई साहब बल्ब फ्यूज हुआ है। मुराद तरीका मुराद मुराद नहीं फूड मैनेजर। फूड मैनेजर साहब जी आप इनके साथ जाइए। इनके कमरे का बल्ब देखिए कि वो फ्यूज हुआ है या नहीं। मेरी छत टपकने का मसला है। आप क्या बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी जी। फूड मैनेजर साहब आप इनके कमरे में जाइए और देखिए कि अगर इनका कमरे का बल्ब वाकई फ्यूज हुआ है तो आप एक रिक्विजिशन दें। वो रिक्विजिशन मैं परचेज कमेटी के सामने पेश करूंगा और अगर फिजिबल हुआ तो परचेज कमेटी उसके खरीदने की मंजूरी दे देगी और हम खरीद के बल्ब इनके कमरे में लगा देंगे। तो भाई क्या उतनी देर में अंधेरे में टकरे मारूंगा। सर जी आप बकरा है टकरे मारेंगे जी। बिहेव सेनेटरी इंस्पेक्टर साहब बिहेव। देखिए जी फिलहाल मैं आपको मसला हल कर देता हूँ। आपको एक मोमबत्ती इशू कर देते हैं। मोमबत्ती सर जी इनकी प्रॉब्लम मैं हल कर सकता हूँ जी। अपने सर्वेंट क्वार्टर से ना जी इन्हें मैं लालटेन ला के दे देता हूँ। नो 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 इस तरह बिल्कुल नहीं करना। ये जाब्ते के खिलाफ है। गेस्ट हाउस से बाहर की कोई भी चीज जहां आके इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्यों सर। कल को आप उसका किराया मांगेंगे लालटेन को तो कहां से देंगे। हमारे पास कोई ऐड नहीं है। सर जी फिर उनका जो प्रॉब्लम है ना जी वो मैं बगैर पैसों के हल कर देता हूँ। देखिए सेनेटरी इंस्पेक्टर साहब आप अपने रवैये को बदलें वरना आपको लीमू भी इशू हो सकता है। लीमू जी हाँ आप इसे लीमू ही समझें क्योंकि आपकी तनख्वाह को निचोड़ा जाएगा। ये जरा एक नंबर मिलाइए। भाई इस्लामाबाद का यार। हाँ हाँ ओ भाई सेक्रेटेरिएट का 832934। हाँ जरा जल्दी। बावनी साहब बावनी साहब बावनी साहब बिहेव करें। जी सर जनरल मैनेजर बावनी साहब। सर जी एक खर्चा आ गया जी। और हाँ कौन सा खर्चा भाई। सर ये देखें बिहेव करें। सर जी ये देखें जी ये जो वेपर है ना जी आधे से ज्यादा कट चुका है। ये खराब हो गया इसकी रबर। इसलिए रंबो रंबो जान रंबो सेंट्री इंस्पेक्टर को एक अदद नवा वेपर दरकार है जी। ठीक है आप लिख कर ले आइए। सर मैं लिख के जी वो आपको पता है ना सर वो मैं तो नहीं। सर जी आप लिख दें तो मैं उस पर अपना साइन कर दूंगा। क्या मतलब है। मैं अपनी हैंड राइटिंग में लिखूं ताकि कल को ऑडिट वाले मेरा गिरेबान पकड़े। क्यों क्यों मैं अपनी हैंड राइटिंग में लिखूं। नो नो अपना फंदा और अपनी गर्दन नहीं आप किसी और से लिखवाइए जाके। जब तुम ही नहीं अपने तर्रम दुनिया ही बेगानी है। जब तुम बिहेव करें। चलो रंबो रंबो
संतरी इंस्पेक्टर कोई और ही दर्द हो। जब तुम ही नहीं अपने। जी सर, जी जी मैं समझ लूं सर, सर आप फिक्र ही ना कर। जी जी सर आपकी बोल नहीं रही सर। जी यस जी जी सर, जी जी सर, सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर जी वो एक मसला आ गया जी। कैसे? मुझे जी? तो कर लो हल, मेरे पास क्या लेने है? नहीं सर वो आप ही हल कर सकते हैं अगर आपने वो। ओ, क्या मैं क्या कर सकता सर? वो आप ना जी मुझे। ओ, कुछ बोलेगा भी आप ना मुझे, आप ना मुझे। वो सर जी मेरा वेपर टूट गया जी। वेपर टूट गया? हाँ। तो मैं लेकर दूं? नहीं सर वो तो इंतजामिया देगी जी, आप ना मुझे सिर्फ एक अदद ना जी वो दरख्वास्त लिख के दें जी कि वेपर टूट गया नवा दरकार है। हाँ जी। तू अनपढ़? हाँ जी कोरा। ठीक है ला कागज पेंसिल। नहीं वो मैंने नहीं लाया कागज, आपके पास होंगे जी इधर। गेस्ट हाउस में कागज भी नहीं है? हाँ वो भी नहीं। सर जी लिखाई सुथरी होनी चाहिए जी। ये ले लगा ले अपना अंगूठा। सर जी इसके नीचे मेरा ओहदा भी लिखे ना जी, फिर अंगूठा लगाऊंगा। ओहदा? क्या है तेरा ओहदा? रामो रामो जान रामो सेंट्रल इंस्पेक्टर बकलम खुद। लो जनाब। अच्छा जी मैं बाहर जाके ना जी लगा लूंगा। सर जी पैसे सर आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं जब भी वेपर देखूंगा ना जी नमन तो मुझे आप याद आएंगे। अच्छा जा भी ना। अच्छा जी बामी साहब। क्या है? ये लें जी। क्या है ये? आप खुद पाल लें जी, आपको मुझ पे यकीन नहीं आएगा। गेस्ट हाउस के शोभा सफाई व फिजिकल प्लानिंग में एक अदद वाइपर फौरी तौर पर दरकार है, बराह करम जेरे दस्तखती को बिला ताखीर मुहैया किया जाए। ठीक है इस तरह करो आप सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब के बाजार जाइए और 3 कोटेशंस लेकर आइए। जी सर जी मैं क्यों जाऊं जी, गर्मी में जी मेरा दिमाग खराब है जी, ये आपका काम है आप मुझे वेपर ला के दे वरना मेरी तरफ से हड़ताल है जी। बात सुनिए आप हड़ताल ना करें, आप इस तरह कीजिए आप टैक्सी पर चले जाइए, टैक्सी का आने जाने का किराया मिल जाएगा आपको। सर जी ये किराया कहाँ से आएगा जी? ये मिसलेनियस हेड से दिया जाएगा। ये रुमाल तो मैंने आपको शादी से पहले निशानी के तौर पर दिया था, इसीलिए तो सजा दे रहा हूँ। क्या क्या मतलब? देख नहीं रही हो, ये मेरे नए जूते पानी में भीग गए हैं। जब से तुम्हारा ये रुमाल मेरी जेब में आया ना, उस वक्त से मेरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। लियांदा तेरे ले रेशमी रुमाल कितों यार,
मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, बिल ऊपर भेजा हुआ है, जो ही मंजूर होता है तुम्हारी पेमेंट कर दी जाएगी। मेरा मतलब है ना, तुम जरा इजी फील करो। ये पांचवा चक्कर लगा रहा हूँ, और पहले तो कभी इतनी देर नहीं हुई। ओ, पहले कभी देर नहीं हुई, पहले कुछ छोड़ो, पहले यहाँ कोई कानून और कायदा नहीं था, अब हर काम कानून और कायदे के मुताबिक होगा। हाँ, गोश्त खा गए और पैसे देते हुए तकलीफ होती है। ये अच्छा कायदा भाई वो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन देखो मेरी तरफ देखो, मैं पहले वेटर था, अब मैं फूड मैनेजर हूँ यहाँ। और ठीक है, मुबारक हो। खैर मुबारक। लेकर हाँ जी, लेकर कुछ मेरे लिए भी करो यार। ओके ओके। और देखो ना, आज पेमेंट होगी तो कल के लिए कोई जानवर खरीद कर लाऊंगा। सर आप इजी फील नहीं कर सकते, इजी फील करें। देखिए मैं कुछ सोचता हूँ आपके लिए, कुछ करता हूँ, लेकिन लेकिन क्या है? लेकिन ये ना कि मतलब मैं फूड मैनेजर होते हुए टिप मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता, अब आप लोगों को ही हमारा कुछ ख्याल। लेकिन ये क्या मत बना तुम्हारा, मतलब ये है कि मैं जल्दी से आपकी पेमेंट करा देता हूँ, आप इस तरह करें कि कुछ इधर देखें बिल में से। पूरे 15 दिन से काम फंसी हुई है। हाँ ये ठीक है जी। अच्छा यार जी, वो तुम पेमेंट करा दो है। तुम्हारा हक मैं नहीं रखूंगा। हाँ आप इजी फील करें, मैं अभी कुछ करके आता हूँ, यहीं बैठे आप। ठीक है। ये क्या बेवकूफी है, ये गेस्ट हाउस है ये नाला लई? क्यों जी, क्या हुआ? पूछें क्या नहीं हुआ, पानी सारा बह बहकर मेरे कमरे में आ रहा है, और ये मेरे चमड़े के नए बूट। आपके चमड़े के? किसने उतारा जी आपका चमड़ा? मैंने नहीं, इनका मतलब है चमड़े के नए बूट। ज्यादा वजाहतें करने की जरूरत नहीं है। सुनो मिस्टर, मेरे चमड़े के नए बूट बिल्कुल बर्बाद हो गए, सत्यानाश हो गए इनका, ये हर्जाना कौन भरेगा? जिनसे आपने बूट खरीदे हैं और कौन भरेगा जी? ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जरा इधर आए, मेरी बात सुने। अपने बहनोई की दुकान से खरीदे थे ना नए बूट, फिर 2 नंबर माल दे दिया उसने आपको। इन लोगों के बाथरूम का कोई कसूर नहीं है, जो बूट भीगने से खराब हो जाए वो तो बेचने वाले के सर पर दे माने चाहिए। तो और क्या, साथ घर तो डैन भी छोड़ देती है, बस मेरे बहनोई के पीछे पड़ी रहना। बहुनीज बहुनीज गजब हो गया। आ जाइए जी, आपकी ही कसर रह गई थी। वही पूरी करने आया हूँ, कसाई ने धमकी दे दी है। किस बात की? के गोश्त सप्लाई नहीं करूंगा। क्यों, बकरे हड़ताल पर चले गए? नहीं, कसाई जा रहा है, कहता है कि अगर आज पेमेंट ना हुई तो मैं कल से गोश्त सप्लाई नहीं करूंगा। बहुनवीर बड़ा मसला बन गया। नो प्रॉब्लम, इट इज नॉट माय हेडिंग। ये तुम्हारा मसला है मैनेजर फूड। ये मेरा मसला नहीं, आपका भी मसला है। उसने मुझे नोटिस दिया है, मैंने नोटिस की इतला आपको दे दी है, अब आप जाने और आपका काम जाने। मुझे तो दाल पकानी भी आती। तू मुझे धमका रहा है? धमका नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। कल अगर गोश्त सप्लाई नहीं होगा तो हमारे मेहमान साथ वाले गेस्ट हाउस में जाकर खाना खाएंगे, फिर पता चलेगा कि जनरल मैनेजरी क्या होती है। अच्छा जाओ काम करो। जाओ अच्छा, ये फाइल देखिए जी। ये क्या है जी? ये कसाई का बिल है। ये कसाई का बिल है? ये जी। तो एडमिन डायरेक्टर के दस्तखत कहाँ हैं? वो बाद में करा लेंगे जी। बाद में का क्या मतलब है? ये मुझे क्या पता कितना गोश्त आया और कितना नहीं आया। नहीं नहीं, आप ले जाए। देखिए जी, जितना गोश्त आया है उतना ही लिखा हुआ है। ये देखिए, ये मैनेजर फूड साहब ने बाकायदा अंगूठा लगाया हुआ है जी। वो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन मुराद कोई फाइनल अथॉरिटी तो नहीं है ना? फाइनल अथॉरिटी तो तुम हो ना, तुम्हें ये देखना है कि क्या चीज आ रही है, क्या इस्तेमाल हो रही है, क्या इस्तेमाल नहीं हो रही, फिर उसके बाद एडमिन डायरेक्टर के दस्तखत होने चाहिए। नहीं, दस्तखतों के बगैर मैं हरगिज भी ये बिल पास नहीं करूंगी, चेक नहीं होगा। लेकिन डायरेक्टर फिनांस साहब आप भाई देखें, मजबूर मत किया करें आप लोग, कहीं तो कोई कायदा उसूल रहने देना। ठीक है जी, मैं फिर अभी दस्तखत कर देता हूँ जी। तुम्हारे दस्तखत कर देने से कोई फायदा तो नहीं होगा ना, जब तक एडमिन डायरेक्टर के दस्तखत नहीं होंगे मैं दस्तखत नहीं करूंगी। इसलिए कि देखो ना, ये कायदे और उसूल की बात है, और कायदे और उसूल पे मैंने कभी समझौता नहीं किया।
रामराध्या जरा ये बिल पकड़े ना, अंदर बाउंड्री से मैंने पैसे ले आके दे। क्या बदतमीजी है, क्या मुरादिया, क्या मतलब? मैं फूड मैनेजर हूँ यहाँ। फिट है मुंह तेरी फूड मैनेजरी के? क्या मतलब है तुम्हारा? मतबल क्या है? वो मैंने गेस्ट हाउस की चादरें दो, ये मैंने पैसे दो। ये मेरा काम नहीं है, इस सफाई का इंचार्ज है रैम्बो, वो आएगा अंगूठा चापेगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, बस खत्म बात। वो कहा गया है? बाबू तो खैर जनरल मैनेजर साहब ही बता सकते, मैं नहीं बता सकता। मैनेजर को? जी सर। सर वो सर वो कसाई वाला बिल पास हो गया सर? नहीं, वो डायरेक्टर फाइनेंस नहीं माने वे। क्यों सर, क्या कहती हैं जी? वो कहती हैं कि मुझे क्या पता कि कितना गोश्त आया है और कितना इस्तेमाल हुआ है, और वो ये भी कह रही थी कि जब तक डायरेक्टर एडमिन वेरीफाई नहीं करेंगे वो बिल पास नहीं करेंगे। न टिप ही मिली न बिल का हिस्सा, ना इधर के रहे ना इधर के रहे। हाँ वे, तुम? वो जी ये मेरा बिल है जनाब, मैंने गेस्ट हाउस की चादरें दो, ये मैंने पैसे चाहिए। अच्छा धोबी, ठीक है जी, आपका इंचार्ज है रैम्बो, वो अभी आता है, वो आके फैसला करेगा। सर जी माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जार रैम्बो, फिलहाल जी सेंट्री इंस्पेक्टर हूं मैं। सर जी मुझे ना एक अदद वेपर चाहिए जी। जी मिल जाएंगे। सर जी ये ना जी गेस्ट हाउस का काम है ना, उसके लिए मुझे वो भी चाहिए, वो नहीं होता जी, वो कोटेशन। कोटेशन जी? कोटेशन? तीन कोटेशन की जरूरत होती है, कहे तो तीनों बना दूं। सर जी तीनों आप बना के देंगे जी? हाँ हाँ, इसमें क्या है, हमारा रोज का काम है। अच्छा जी फिर बना दें जी, तीन ही बना दें। ये देखिए सर, ये क्या है? ये वाइपर की कोटेशंस हैं सर, मैंने सोचा कि आज परचेज कमेटी की मीटिंग हो रही है तो ये भी निबट जाए केस। तो ये एजेंडे में तो शामिल नहीं? ये कोटेशंस कौन लाया है? रैम्बो सर। क्यों, कीमत ज्यादा लिखी हुई है सर? बात कीमत की नहीं है, एक ही कलम, एक ही हैंडराइटिंग और एक ही स्याही, मुझे लगता है ये सब जाली कोटेशंस हैं। सर इतनी मामूली सी चीजों की खरीद के लिए तो सरकारी महकमों में भी इसी तरह होता है। ये सरकारी महकमा नहीं है मिस्टर नवीद, व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब मुझे जालसाजी लगती है। मेरा जी तो चाहता है कि रैम्बो के खिलाफ थाने में रिपोर्ट करा दूं। रिपोर्ट दर्ज कराने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा से दोबारा से उसको स्वीपर बना दो। अरे जी इतनी जल्दी इतनी बड़ी सजा ना दें जी, उसने तो अपने विजिटिंग कार्ड्स भी छपने के लिए दे दिए। अच्छा विजिटिंग कार्ड भी छपने को दे दिए, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये बताओ वो बल वाले का क्या मसला था मेहमान का, मुझसे सख्त गुस्से में शिकायत कर रहा था। सर वो मैंने रिक्वेजिशन पुट अप की हुई है जी, अगर आप मेहरबानी फरमा दे सर तो ये मसला भी हल हो सकता है। अच्छा 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 ठीक है, मैंने सुन लिया है, मीटिंग के बाद वो भी देख लेंगे। सबसे पहले तुम ये करो ना, किसी दूसरे कमरे में से बल्ब उतार कर उसके कमरे में लगाओ, हम नहीं चाहते कि हमारा मेहमान अंधेरे में रहे। बेहतर सर। और अब मीटिंग खत्म हो रही है, मुझे धोबी का बंदोबस्त भी करना है। मैं पूछता हूं कि आखिर इस टेबल लैंप का बल्ब गया कहां? बाउनवी साहब, सॉरी जनरल मैनेजर साहब, मैं क्या बता सकता हूं जी? ओह नो, मैं ऑडिटर्स को क्या जवाब दूंगा कि बल्ब कहां गया? ये बल्ब आप ले गए थे जी? मैंने सोचा कि आपकी इंतजामिया पता नहीं कब इंतजाम करेगी, लिहाजा मैं ले गया, लेकिन असूल के मुताबिक तो ये चोरी का केस है और आपकी रिपोर्ट हो सकती है। जी नहीं, वो बल्ब भी मैंने आप ही के कमरे में लगाया है, ये तो मैं सिर्फ ऑर्डर से बचाने के लिए नग पूरा कर रहा हूं, फ्यूज बल्ब। थैंक्स गॉड। ये क्या, वो कोई है सुख रेस्ट हाउस में? जी सर जी आपने मुझे बुलाया जी। मैं पूछता हूँ ये गेस्ट हाउस है या जंगल? देखो
कितने जहरीले कीड़े ने मुझे काटा। सर जी ये तो सारा जहर आपके जिस्म में फैल जाएगा जी। सर जी कहते हैं बड़े बड़े रहे के जहर फैल जाए जिस्म में तो फिर बंदा बेहोश हो जाता है। शुक्र है सर जी, मेरी जान निकली जा रही है और तुम कह रहे शुक्र है। हाँ ना सर जी, आप बेहोश हो जाएंगे तो बेहोशी दर्द का इलाज है, फिर आपको दर्द नहीं होगा। बदोबस्त जाओ, जाकर फ्लैट का बंदोबस्त करो और पूरे कमरे में छिड़को। जी सर जी। आई से गेट आउट। हाँ थैंक यू जी। अच्छा जी जी, रिसेप्शन। नवीद साहब। जी सर। करामतुल्लाह स्पीकिंग। जी फरमाइए सर। यार कोई फ्लैट वगैरह मिल जाएगी? नहीं सर सॉरी जी, वो खत्म हो गई है जी। वो बाजार से मंगवा लें। नहीं सर, बाजार से इमरजेंसी में सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट की इजाजत है जी, फ्लैट चूंकि इमरजेंसी आइटम नहीं है लिहाजा माफ चाहता हूँ जी। ओहो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह में से कर लें। नहीं सर, उस साइड में तो पहले ही ओवर एक्सपेंसेस हो चुके हैं जी। अच्छा, वो डायरेक्टर फाइनेंस और एडमिन कहाँ है? सर वो दोनों शॉर्ट लीव पे हैं जी। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी सर, मैं मजबूर हूँ जी। क्यों नहीं आ रहा जूता? ओहो, मैं खुद बड़ा तंग हूँ, खुदा के लिए मुझे तंग मत करो। जाहिर है तंग जूता पहनकर इंसान तंग ही हो जाता है, ना खरीदते अपने भनोई से जूता। उनकी दुकान से खरीदा है, उन्होंने खुद तो नहीं बनाया। बेशक नहीं बनाया, मंगवाया तो उन्होंने ही था, नियतों के फल। अच्छा बाबा, मैं बुरा, मेरा खानदान बुरा, तुम अच्छी, तुम्हारा खानदान अच्छा, अब तुम चाहती क्या हो? अभी वापस चलो, अभी मुल्तान चलो और ये जूता वापस करो, हमारे पैसे कोई हराम के नहीं आए। अकल से काम लो, अकल से काम लो। कहां मुल्तान, कहां इस्लामाबाद, अभी तो हमारा वीजा भी नहीं लगा। जी हम लोग जा रहे हैं, ऐसे कीजिए बिल बना दीजिए और चेकआउट कर लें। बिल तो मैं बना देता हूँ लेकिन आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा जी। क्यों? दरअसल बिल पर जब तक डायरेक्टर एडमिन दस्तखत न कर दे आप चेकआउट नहीं हो सकते। लेकिन आप खुद भी देखिए जी, प्लीज मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप प्लीज तशरीफ रखिए थोड़ी देर। चलिए किथे रह गया आपके डायरेक्टर एडमिन आ गए या नहीं? नहीं जी अभी नहीं आया सर। चले थोड़ी देर में और सो लेता। सुबह से किसी ने मेरे कमरे की सफाई नहीं की, बिस्तर की चादर तक तब्दील नहीं हुई, घर से केस लाने से तो रहे हम। बिजली तो बिजली, गटर भी बांधा मेरे कमरे का। भाई साहब वो मेरा गटर खुलवा दे, बड़ी बू आ रही है इमाम से। ये क्या शोर मचाए हुए, ये गेस्ट हाउस है चिड़िया घर? इनसे कहो आईना देख ले, खुद ही पता चल जाएगा। और कुछ नहीं, कम से कम मेरा कमरा ही तब्दील कर दो, मुझे वीआईपी रूम नंबर 1 दे दो बस। क्या आप मेरी बात तो सुने सर, प्लीज। बातें ही तो सुन रहे हैं पिछले कई दिनों से, आप कुछ गा के सुनाओगे? गटर खुलवा मेरा। आपके डायरेक्टर एडमन साहब आ गए? नहीं जी अभी तक नहीं आए सर, लेकिन आपके चेकआउट होने का वक्त तो गुजर चुका है सर, अब आपको एक दिन का मजीद किराया अदा करना होगा। जी लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है, हम लोग तो ठीक वक्त पर चेकआउट होने आ गए थे, देर तो आपकी तरफ से हुई है। चाहे जिसकी तरफ से देर हुई हो जी, ये तो असूल और जाब्ते की बात है, आप चेकआउट का वक्त खत्म होने के बाद भी यहाँ मौजूद रहे, इसलिए आपको एक दिन का मजीद किराया अदा करना होगा। ओह माय गॉड, तौबा तौबा, ये तो आपके बहनोई से भी दो हाथ आगे हैं। बस तुम मेरे बहनोई के पीछे पड़ी रहना। थक गए झाड़ू आन फेर मेर गए नाले दर्द हो जानू मैं घेर के। सर इंस्पेक्टर साहब, आप कहाँ तशरीफ ले गए थे, पीछे इतना शोर मचा हुआ है। सर जी मैं जरा साथ वाले गेस्ट हाउस में गया था जी, ये पेपर लेने था तो वो मुझे लपा गया था, पहले मेरा काम खत्म हो जाए फिर लेके जाना, इसलिए मुझे देर हो गई है जी।
अच्छा ठीक है, जाइए आप काम करें। अच्छा जी। तक सर जी, आप अभी तक इधर गए नहीं? हाँ, ये साहब कहते हैं कि आप चेकआउट नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक शमीम साहब नहीं आएंगे उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। ऊपर से अगले दिन का किराया भी हम पर डाल रहे हैं, हालांकि कसूर इनका अपना है। सर जी, ये क्या कह रहे हैं जी, ये तो बड़ी ज्यादती है जी। ज्यादती किस चीज की? ये तो उसूल, कानून और जाब्ते की बात है। जो उसूल एक बार तय हो गए हैं, हमें तो उन्हीं पर अमल करना है। कानून और जाब्ते लोगों की सहूलत के लिए होते हैं बानवी साहब, उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं होते। जो कानून और जाब्ते लोगों को सहूलत की बजाय तकलीफ पहुंचाते हैं, रंबो रंबो जान रंबो ने मानने से इनकार करता है, पावे उसके लिए उसे अपना इस ओहदे से इस्तीफा ही देना पड़े। क्यों करामतुल्ला साहब? वैसे सर जी, आप एक कोर्स और करा के ना जी, ये जितने कानून और जाब्ते हैं ना जी, ये इस गेस्ट हाउस से बाहर निकालें। सर आपकी बड़ी मेहरबानी हो। गेस्ट हाउस में होने वाले मस्कूरा वाकये और मुलाजिम रैम्बो की बातों पर गहरा गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वाकई जो कवानीन आवाम को सहूलत पहुंचाने की बजाय वसी पैमाने पर उनके लिए बाइस तकलीफ हो, उन्हें तब्दील ही हो जाना चाहिए। लिहाजा सिफारिश की जाती है कि आइंदा इजलास में इन तजावीज पर संजीदगी से गौर फरमाया जाए। ये क्या बकवास है, ये तजावीज है या पूरे सिस्टम को गिराने की साजिश? सर इसीलिए तो कहता हूं कि हमारे महकमे के अफसरान का भी रेफ्रेशर कोर्स होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बात बड़ी जरूरी है सर। दरअसल वक्त गुजरने के साथ साथ इनके जहन से पुरानी बातें निकलना शुरू हो जाती, जिसको दोहराया जाना बहुत जरूरी है सर। हद होती है हर बात की, वो तो हद से भी आगे बढ़ गया है। मैं चेकआउट कर रहा हूं प्लीज। क्यों सर, आप जा रहे हैं? हाँ ऐसा ही है। अच्छा सर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? लाहौर रिफ्रेशर कोर्स पर।